तो ये है इजिप्ट और ये है येमेन। वही जगह जहाँ चैंडलर को भेज दिया गया था। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है दुबई में हमारा फिफ्थ डे और यहाँ से इस होटल से हम चेकआउट करके अब जा रहे हैं मरीना वाली साइड, क्योंकि हमने डिवाइड किया हुआ था अपनी ट्रिप को, कुछ दिन बुरदे हुए कुछ दिन मरीना। यहाँ पर हमने होटल बुक किया हुआ था और वहाँ पर अपना अपार्टमेंट बुक किया हुआ है, दिखाने के आप लोगों की होटल वर्सेज अपार्टमेंट, मतलब अगर आप बुक करते तो क्या डिफरेंस मिलता है, चेक इन फॉर्मेलिटीज वगैरह। हमारे अपार्टमेंट का नाम क्या है? और बैल्कनी वाला अपार्टमेंट है हमारा। तो यहाँ से चलते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है एक बीच में अभी कुछ, और उसके बाद सीधा चलते हैं अपार्टमेंट, चेक इन करते हैं और आपको दिखाते हैं अपार्टमेंट कैसे है। आइए तो आज एक व्लॉग करते हैं स्टार्ट। कितना बेटर व्यू है 24th से, दिस इज 11th फ्लोर ना, जिसका डबल हो गया। एक तो भाई क्या वाले इतने खतरनाक है, 5 मिनट ऊपर नीचे कल थे, 5 मिनट भी नहीं हुए, 2 मिनट, 2 घंटे में आते हैं ऊपर, रूम से बुक करा दी तो 5 मिनट में आगे नीचे आया तो चला ही गया। अब 12 ED का कैंसिलेशन चार्ज तो बड़ा बेकार। अब दूसरी बुक की है, कितनी देर में आ रही है वो? तो उल्टा चला गया, 3846 आ रहा है, 3846। अभी तक हम बर्थ दुबई में थे और अब हम अपने लगेज लेके होटल से हम निकल रहे हैं और जाके चेक इन करेंगे अपने अपार्टमेंट में। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द सेम, एंड ये यहाँ से अराउंड 35 मिनट्स का रास्ता है मरीना का फ्रॉम बर्थ दुबई, और वहाँ पहुँच के हमारा चेक इन अराउंड 3 PM है, पर हम जल्दी पहुँच रहे हैं अपार्टमेंट में, अपना लगेज रखेंगे उसके बाद रिसेप्शन पे। ये जो टैक्सी का जो रेट होता है, जैसे किसी का 8 से स्टार्ट होता है, किसी का 5, बुकिंग का होता है, बुकिंग विदाउट बुकिंग 5 है, किधर भी होगा। अगर टैक्सी में बिना बुकिंग बैठे हो तो 5 है, बगैर बुकिंग 5 है, रात को बगैर बुकिंग 550 पेस। अच्छा, पर तो बगैर बुकिंग से टैक्सी रोक लेते हैं जो बुकिंग करता है ना कोई भी? हाँ, जैसे कि बगैर बुकिंग अगर किसी को हाथ दे देगा 5 से स्टार्ट होते हैं। ओके, अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है, ऐप से आपको करीम के साथ कनेक्ट हो गया, वो भिजवा दिया टैक्सी आपको, तो फिर 8 दिरहम, कोई 12 दिरहम, कोई 9 दिरहम, ये 3 ऑप्शन है बुकिंग के लिए। वो टाइम के साथ बनता है, टाइम के साथ। तो ऐसे मतलब आप अगली बार रुकवाए तो ऐसे हाथ दे के रुकवा ले, ऐसा किस तरह आपका मर्जी है किस तरह। लेकिन हाथ दे के हमने ट्राई किया, लेकिन काफी लोग बुकिंग रहती है, कोई रोकता ही नहीं। ये बात भी है, बिल्कुल बिजी है ना, आप कभी कभी बिजी होता है, लेकिन आज दिन तो वैसे फ्राइडे है, पूरा टैक्सी खाली होते है। अच्छा, तो आज फिर वैसे फ्राइडे बंद रहते हैं। Thank you.
किचन और रिव्यू और रिव्यू वो उस तरह सामने मरीना, इधर ये वो है ना जो पाम जो मेरा, और ये हमारी प्यारी सी बालकनी। नाइस ना व्हाट। तो 3 दिन करेंगे यहाँ पे एंजॉय और मजा लेंगे इस व्यू का। अच्छा मार्ट में वो आई गेस JLT है उधर, देखो ओह टाइम हो गया है शाम के 6 और यहाँ से हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज। आज ग्लोबल विलेज घूमेंगे, टिकट हमने पहले से बुक करा ली है क्लू कैब से, और कितने की पड़ी आएगी 1500 पड़ी फॉर 2 of us ऑनलाइन। तो यहाँ से कैब बुक करते हैं, अराउंड 45 मिनट्स का रास्ता है, यहाँ से दूर पड़ता है काफ़ी, और आपको अब लेके चलते हैं ग्लोबल विलेज। आओ भाई, टैक्सी कहाँ से मिली? करते पहले इधर रुकनी, ये कौन सा काम है यार, बट डेजिग्नेटेड स्टॉप्स है यार हर जगह, मतलब कहीं पे भी टैक्सी रुकेगी वहीं पे ही रुकेगी। लोग टैक्सी भी नहीं खड़ेंगे, मुझे लगता है वहां भीड़ होगी यहां टैक्सी वाले। पहुंच गए ग्लोबल विलेज। अरे नहीं, यहां से पहले वहां कलर चेंज नहीं हो रहा, मैंने देखा तो पिंक होता है, और ये लाइन देखो टैक्सीज की। जैसे आप ग्लोबल विलेज एंटर करेंगे आपको ये अलग अलग कंट्रीज़ के पवेलियंस की शॉप सेटअप देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर है ये ईरान का, उसके बाद हम वहाँ से चले गए टर्किश के पवेलियन में जहाँ पे हमने कुनाफास और विद आइसक्रीम ट्राई किए कुनीफेस, और बहुत टेस्टी थे, जैसे आप देख सकते हैं कितने ठीक है करते हैं। This one is good? Cheneve. Yes. Cheese Cheneve. It's cheese. It's yes. Not sweet. Sweet. Hot sweet. And this one? Only ice cream. Put on top ice cream. And this one? Ice cream baklava. Another. Without ice cream or without yes. Ice cream? Sweet, isn't it? Sweet.
पर चीज वाला, अंदर से चीज फिलिंग है। ट्राई करके देखते हैं। हां कौन सा? विद आइसक्रीम। ये वाला विद आइसक्रीम, ये वाला, ये वाला बकलावा। बकलावा या कुनेफे, ये वाला होता है कुनेफे। हां तो कुनेफे विद आइसक्रीम। वन कुनेफे, कुनेफे विद आइसक्रीम, कुनेफे विद आइसक्रीम। Ben dondurma yapıp yer geçerim. Kimin bu? Zafer abi. Başka var mı bu eksiği? So what are we trying today? क्या कहते थे? Munafe with cheese and ice cream. हाँ? Tasty. Amazing. उसके बाद हमने टर्किश आइसक्रीम ट्राई की, फिर मैं पाकिस्तान वाले पवेलियन में कुछ सूट्स देखने प्रिया को, फिर यूएई हम अंदर गए नहीं क्योंकि हम एक्चुअली दुबई में क्या था, फिर सीरिया के सामने से गुजरे और यहाँ पे लाइव शो भी हो रहा था उसको, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर आप देखें तो इसकी कोई टिकट नहीं थी, फ्री था ये। उसके बाद हम चले गए दूसरी साइड जहाँ पे सारे राइड्स वगैरह थी जो कि हमने नहीं की, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस थे और हमारा करने का भी मन नहीं था। इस तरफ आ गए हम दोबारा, फिर कोरिया के पवेलियन में हमने ट्राई की यहाँ की फेमस बबल टी, लेके हम बबल टी गए बाहर। और ये हमारे इंडिया का पवेलियन कितना बड़ा बनाया हुआ है। प्राउड फीलिंग। यस डेफिनेटली। और इंडिया के सामने लेबनान और कतार। ये है अफ्रीका, उसके बाद रशिया, और उसके बाद यूरोप और अमेरिका। और हम के अपॉइंटमेंट तो बहुत लेट मिल रहे हैं। हाँ तो हमने सोचा अमेरिका तो घूम ही नहीं पहले। और ये यहाँ की फूड स्ट्रीट पूरी, तो ये इजिप्ट और ये है येमेन। फ्रेंड्स देखते हैं आपको पता होगा ये मिन क्या है। तो हम डिनर करने रुके हैं एक टर्किश रेस्टोरेंट में, तो प्रिया ने ऑर्डर किया टर्किश टी। मेरा फोन यार कैसे लगी तो बता दे। ठीक है, आई ऑर्डर दिस चिकन साच, चिकन विद टर्किश राइस। That's it guys, I hope आपको हमारा आज का vlog पसंद आया हो। थोड़ा सा GoPro की footage की वजह से interesting नहीं बन पाया हुआ, so really sorry for that। But इसके बाद हम आज यहाँ से जा रहे हैं होटल वापस, और कल हम आपको explore कराएंगे पूरा JBR और मरीना वाली साइड। तो वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव इट अ थम्स अप। आपका एक एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है नया व्लॉग बनाने के लिए। That's it guys, thank you so much, good night and take care.